हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। बालसम यानी गुल मेहंदी के प्लांट्स कब ग्रो करने चाहिए, कौन सा सही समय है, कौन सा सही सीज़न है, इस पर एक वीडियो हमने शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। और आज हम शेयर करेंगे कुछ बालसम के पौधे जो कि बेकार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स के क्वेश्चन आते हैं जब हम सीड से बालसम ग्रो करते हैं तो वो सीडलिंग्स बेकार होने लगती हैं, गलने लगती हैं और वो फिर मर जाती हैं। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो बालसम हमने सीड से भी ग्रो किए हैं और हमारे गार्डन में खुद से भी बालसम ग्रो हो जाते हैं, जो लास्ट ईयर के सीड्स मिट्टी में गिरे हुए होते हैं, टाइम आने पर वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जो बालसम के प्लांट्स हैं, इनको हमने ट्रांसप्लांट किया था इन छोटे छोटे थर्मोपॉट्स में सॉयल मिक्सचर बना करके, जो कि आपसे शेयर भी किया था एक मिट्टी के पॉट में जब हमने लगाए थे। तो इनमें कुछ पौधे तो बिल्कुल ठीक हैं और कुछ गल चुके हैं, उनका जो स्टेम है वो गल चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है और क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? बालसम के जब प्लांट्स छोटे होते हैं तो हमें उसमें मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ज़्यादा नमी इन प्लांट्स को गला देती है और जो गलने का यानी रॉटिंग का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो स्टेम पर ही पड़ता है। रूट्स के पहले स्टेम गलने लगता है और फिर प्लांट मर जाता है। तो ऐसा क्यों? तो ये जो बालसम यानी गुलमेहंदी के पौधे होते हैं, इसमें ऑलरेडी वाटर होता है और जैसे सकलेंट में होता है बिल्कुल ऐसे ही। तो जिन पौधों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें हमें नमी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओवर मॉइस्चर से वो प्लांट गल जाते हैं और वो फिर मर जाते हैं, फिर आप उसको नहीं बचा सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट को तोड़कर दिखाया है आपको कि देखिए इसमें कितना वाटर कंटेंट है, पानी की इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अब हम शेयर करेंगे अपने दूसरे प्लांट्स जो कि बिल्कुल सही से रखे हुए हैं, पूरी बारिश में रखे रहते हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि एक छोटे से टूटे हुए पॉट में हमने सीड्स ग्रो किए थे, आपसे शेयर किए थे, ये वही हैं। इनमें से कुछ पौधे तो हमने निकालकर उन थर्मोपॉट्स में लगा दिए थे। तो जो थर्मोपॉट्स वाले हैं, ऐसा नहीं है कि थर्मोपॉट्स में हैं इसीलिए वो बेकार हो गए हैं। हमेशा बालसम यानी गुलमेहंदी के छोटे पौधों का आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना होता है। उन प्लांट्स को हमने ऐसे ही रखे रहने दिया, उन पर पूरी बारिश भी जाती है, उन पर पूरी धूप भी जाती है, तो उसमें ओवर मॉइस्चर हो गया जिसकी वजह से वो गल गए। लेकिन उसमें कुछ प्लांट्स अभी ठीक हैं जिनको हम सेव कर लेंगे। तो अब आपको जो सीडलिंग्स हैं यानी बालसम के जो छोटे पौधे हैं उनको स्टार्टिंग में आप बचा कर रखिए, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ अच्छी कर लेते हैं, तब वो बेकार नहीं होते हैं। बस आपको इस प्लांट के लिए ओवर मॉइस्चर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको प्लांट को सेव करना है तो बारिश से भी इनको बचा कर रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन तक लगातार बारिश पड़ती रहती है और मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। तो इसीलिए इन पौधों के लिए आपको पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। धूप को इनको आप लगभग 2-3 घंटे धूप भी इनको मिल जाएगी तो भी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। और हाँ, जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होगी तब भी ये मुरझाने लगते हैं, तो इसीलिए पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और इस तरह से ये कुछ और प्लांट्स हैं जो कि देखिए इसमें रूट्स ऊपर भी स्टार्ट हो जाती हैं आनी। ये प्लांट्स भी बड़े हो चुके हैं और हेल्दी हैं, अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। एक और पॉट आपसे शेयर करते हैं, ये भी थर्मोपॉट में लगा हुआ है लेकिन कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसको हमने बारिश से बचा कर रखा हुआ है। अभी रेनी सीजन है, आप इनको ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी इन दिनों जर्मिनेट हो जाते हैं सीड्स। और हमारे जो दूसरे पॉट्स में भी अपने आप कुछ प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, जो कि इनकी पत्तियों से इनकी वैरायटी का पता चल जाता है। ये जो इसकी जो लीव्स हैं ये थोड़ी पॉइंटेड हैं और बारीक नहीं है, थोड़ी चौड़ी लीव्स हैं। तो ये वाला कलर जो है वो दूसरा है, मजेंटा कलर है, और जो बारीक पत्तियों वाला हमारा गुलमेहंदी है वो लाइट पिंक कलर है। तो इस तरह से पत्तियों से भी इनके कलर की पहचान हो जाती है। एक बार आपको ये प्लांट्स ग्रो करने हैं उसके बाद आपके पास इतने सारे सीड्स हो जाते हैं कि आप खुद से अपने पौधे तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए। थैंक यू।